बाप रे खतरनाक यार, मुझे भी सीखना है। एक बार देखो तो, हेलो बोलो, हेलो कैमरा में, सुनो कैमरा में, हेलो बोलो, हेलो, और पहले करो तो सही, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अहमदाबाद। सो गाइज, वी आर रेडी फॉर राइड एंड दिस इज़ माय फर्स्ट राइड विद जावा ओनर्स क्लब, अहमदाबाद का ग्रुप है। एंड गाइज, दिस इज़ द शोरूम ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद में केवल एक ही शोरूम है, इट्स रिया बाइक्स करके है। सो यहाँ से हमारा मीटिंग पॉइंट है और यहाँ से हमारी राइड स्टार्ट हो रही है। सारे राइडर्स रेडी हैं एंड वी आर लीविंग 5 to 10 minutes, आई थिंक सो 5 से 10 मिनट में हम अभी यहाँ से लीव करने वाले हैं। एंड एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ से एक बाइक उन लोगों ने दिया है, मैं पुणे से लाने वाली थी बट उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं वहाँ से लेके नहीं आना, आपको हम यहाँ पे बाइक देते हैं। सो दिस इज़ माय बाइक, सी गाइस, मुझे ये 42 मिली है कच्छ के लिए। सो इट्स वेरी हैप्पीफुल मोमेंट फॉर मी। और आज जावा गर्ल राइड करेगी 42 पे क्लासिक छोड़ के। सो गाइस, हमारी राइड स्टार्ट होती है यहाँ से, वी आर ऑल रेडी, सो लेट्स गो। एंड गाइस, आज हम लोग 40 किलोमीटर की राइड करने वाले हैं अहमदाबाद से कच्छ की, तो शाम तक पहुँचेंगे हम लोग कच्छ। एंड दिस इज़ माय बाइक, इसका थोड़ा सा शायद चेन लुब्रिकेशन का करने वाले हैं। ये हो रहा है चेन लुब्रिकेशन का काम। गाड़ी तो वैसे भी न्यू है तो इतनी स्मूथ चल रही है यार, गजब की मजा आ रहा है चलाने में, मक्खन जैसा। थैंक यू, थैंक यू, बाय बच्चों। अरे बाप रे, गुस्सा हो रही है। बाय सैम। सो सबसे पहले तो बाइक के टंकी फुल करा देते हैं यार, वो हाफ टैंक करके दिया था मुझे शोरूम से। सो अभी पहले टैंक फुल करा लेती हूँ। ये रही जावा गर्ल, ये जावा गर्ल की शक्ल है। कितने में हो गया? सेंसर आ गया। 702 डन। सो गाइस, हमारी बाइक की टंकी हो गई है फुल और अब हम निकलने वाले हैं फुल जोश में। पहले मैं पेमेंट कर देती हूँ उसके बाद। अहमदाबाद की सड़कों पे गाड़ी चल रही है, जावा गर्ल चल रही है आई मीन। वैसे तो मैं बहुत बार अहमदाबाद आई हूँ, मेरी दी यहाँ पे रहती है, मेरी सिस्टर। सो बट बाइक से फर्स्ट टाइम की मेरी राइड हो रही है। गाइस, आज जावा गर्ल जो है वो 42 राइड कर रही है। सो आज अगर इसका फीडबैक की बात करें तो जावा क्लासिक है, जावा 42 में ज़्यादा कोई डिफरेंस तो नहीं है, थोड़ा बहुत हैंडल बार का ही डिफरेंस है, क्योंकि जो मेरा क्लासिक का हैंडल बार है वो थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऐसा, उसको चलाते टाइम स्ट्रेट हम चलाते हैं बट ये जो 42 का है ये थोड़ा सा बेंड है। सो अब इवन मुझे तो यार क्लासिक हैवी लगती है अभी। 42 थोड़ा सा लाइट वेट लगती है कंपेयर टू क्लासिक।
एंड बाकी कुछ खास तो डिफरेंस नहीं है क्लासिक एंड 42, इसका थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है स्पीडोमीटर का, क्लासिक में यहाँ पे है तो थोड़ा बहुत ये डिफरेंस है, अदरवाइज इसके अलावा कुछ खास डिफरेंस तो नहीं मुझे समझ में आता है। एंड मेरे आगे जो जा रहा है वो है पराग सर, ही इज द फाउंडर ऑफ जावा ओनर्स क्लब। जो सारा कच्छ राइड का प्लान हुआ है हमारा वो इन्होंने ही किया है, सारा सेटलमेंट जितना भी राइड प्लान था सब कुछ इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सो थैंक यू सो मच पराग सर एंड थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग बाइक फॉर मी, क्योंकि यार ये अनोन सिटी में बताओ मतलब नई नई बाइक मिल रही है यार, क्या क्या चाहिए, अभी क्या चाहिए बताओ, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए जिंदगी में। थैंक्स टू रिया बाइक्स जिन्होंने मुझे बाइक प्रोवाइड किया है, उनको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड गाइस जो हमारा कच्छ का प्लान है वो 2 nights का है, तो आज हम लोग पहुंचेंगे शाम तक, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे। सनराइज सी सो वेरी अमेजिंग, कितना मस्त व्यू दिख रहा है सनराइज का, हो रहा है सूरज मामा, सूरज चाचू है ये, मामा नहीं है। वैसे तो सुबह सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, बट राइड के लिए तो भाई कभी भी एनी टाइम राइड के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। लगाई हुई है सो अभी यहाँ से हम आगे जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट बचा हुआ है 250 अराउंड 300 किलोमीटर समथिंग है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता कितना बचा हुआ। आज जावा कल ने गुजरात से राइड स्टार्ट किया है, तो राइड टू कच्छ 1, 2
पहुंच गए हैं अपनी जगह पे। इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ना, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बस। एंड गाइस, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है, जस्ट सी आर वाओ, इट्स इतना मस्त लग रहा है ना, ऐसे छोटे छोटे से रूम। एंड दिस इज सनसेट यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल, माय गॉड, जस्ट सी दिस व्यू। ऐसे घर में रहना ऐसा लग रहा है ना यार, दुनिया छोड़ के बस, वाओ, इतना अमेजिंग यार, इतना अमेजिंग लग रहा है, वाओ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अभी रूम का व्यू। जस्ट सी आवर रूम, दिस इज आवर रूम, ये वाओ, इतना अमेजिंग लग रहा है ना यार, क्या ही बात। ये छोटे छोटे से स्टूल, अरे बहुत मस्त है यार, बहुत। ये छोटे से क्या बोलते हैं इसको, विंडो, छोटी सी विंडो। एंड देन ये बाहर का गेट, वेरी ब्यूटीफुल। ये है हमारी लोकेशन जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है। एंड ये आप देखो यहाँ से सनसेट का व्यू, माय गॉड, कितना अमेजिंग यार। और यहाँ पे भी सारे राइडर्स का एंजॉयमेंट चल रहा है, फ्री होके चाय पानी सब पी रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल यार, इतना शांति, बहुत सुकून, बहुत बहुत। और सबसे अमेजिंग चीज़ तो यार मुझे सनसेट लगी, व्हाट अमेजिंग यार, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, वाओ। लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है ये सनसेट देखना। सो गाइज, अभी यहाँ पे जावा ओनर्स क्लब का फुल एंटरटेन चल रहा है, एंड दे ऑल गाइज आर इंजॉइंग यार, सच में बहुत इंजॉय कर रहा है, मेरी फैमिली भी इंजॉय कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात यही है कि मेरी फैमिली यहाँ पे एटलीस्ट आई हुई है और वो लोग इंजॉय कर रही है। और देखो यहाँ पे डांस भी हो रहा है, ओ वाओ, एक से एक लेजेंड डांस कर रहा है। लेट्स कंटिन्यू कंटिन्यू। एंड दे गाइस फ्रॉम जावा मोटरसाइकल्स, और इन्होंने हम लोगों के लिए सरप्राइजेस रखे हुए हैं। सो सी गाइस, मुझे मतलब सच में इतना अमेजिंग फील हो रहा है ना यार, मेरी पहली राइड है इनके साथ, एंड लिटरली आई एम फीलिंग वेरी अमेजिंग यार। मैंने अभी किया है, अभी थोड़े दिन पहले किया, अभी 6-8 महीने पहले किया। अब ये रोड वाली रोड की बात कर रहे हैं, उससे भी डाल रहे हैं। गुजरात आए और गरबा नहीं किया तो उसके बिना तो सब कुछ अधूरा है भाई। अभी देखो यहाँ पे गरबा शुरू होने वाला है यार, दिस इज रियली वेरी अमेजिंग यार। फिर मैंने उनको फोन किया, जी काम करो ना, करती रहती पन्ने थाई रमण।